चिराग पासवान के कारण एनडीए के घर में घमासान मचा हुआ है। बजट से पहले एनडीए की बैठक में लोजपा को न्योता दिए जाने को लेकर एनडीए के दो दलों में ठन गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने लोजपा को एनडीए की बैठक में बुलाए जाने पर आपत्ति जताते हुए कह दिया है कि अगर लोजपा एनडीए में रहती है तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी को एनडीए की बैठक में बुलाया जाना एक निंदनीय कार्य हुआ है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने एनडीए के नेताओं और कैंडिडेट्स के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वैसे दल को एनडीए में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। रही बात कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ऐसे परिस्थितियों में एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं, उसका फैसला हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी करेंगे। वही लोक जनशक्ति पार्टी ने दोहराया कि वो एनडीए में हैं, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ हैं, जबकि जीतन राम मांझी बिना किसी नीति के सिर्फ सत्ता की वजह से एनडीए में हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक बार नहीं हजारों बार पत्र के माध्यम से, प्रेस वार्ता करके और आम सभाओं में नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों का विरोध करते आए हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार जी की गलत नीतियां जो हैं उनकी जांच होगी। तो हम नेता सत्ता में बने हुए हैं और ये किसी विचार से नहीं है, सत्ता में जाने के लिए व्याकुल थे, सत्ता में बने हुए हैं, शांति से सत्ता में बने रहे। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से चिराग पासवान एनडीए की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि लोजपा को भले ही बैठक का न्योता मिला हो, लेकिन जेडीयू के दबाव की वजह से चिराग पासवान इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।